शिव महापुराण की कथा में अगर आप लोग बैठे हैं तो एक संकल्प अपने अंदर उतार कर जाओ कि मैं कहीं प्रपंच में, ढोंग में, दिखावे में, भ्रम में नहीं पड़ूंगा। अगर मेरी जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो मैं शंकर के चरणों में जाकर पढ़ूंगी, पर ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ूंगी। मैं शिव के द्वार जाऊं ना, मैं भगवान शंकर की चौखट पर जाऊं, मैं भगवान शंकर के दरवाजे पर जाऊं। अगर मुझे जाना ही है तो मैं शंकर के पास जाऊं। लंका के राजा रावण को भी जीतने के लिए मेरे भगवान नारायण राम का रूप रखकर जाते हैं, तो राम जी को भी समझ में आता है, भगवान राम जी की भी चित्त वृत्ति में रहता है। राम जी ने भी विचार कर लिया कि शंकर की आराधना के बिना रावण को भी नहीं जीत सकते, शिव की आराधना के बिना रावण को जीतना भी बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शंकर की आराधना लंका जाते समय भी राम जी करते हैं और वहां से आते समय भी राम जी करते हैं। जाते समय भी शिव की आराधना हो रही है, आते समय भी शिव की आराधना हो रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भगवान शंकर और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है कि मैं बाबा शंकर और पार्वती को नमन करता हूँ। एक पत्र, मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, एलईडी के पीछे आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। मैं नोएडा में नौकरी करता हूँ। 30/5/2024 को 30 तारीख पांचवा महीना, अभी दसवां चल रहा है, पांचवें महीना 2024 में ड्यूटी पर था। शाम को गांव से फ़ोन आया कि मेरा पुत्र आयुष कुमार राय, जो कि 16 साल का है, रोड एक्सीडेंट हो गया है। मेरे 16 साल का बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे परिवार के लोग उसको गोरखपुर उचित हॉस्पिटल में लेकर गए। जांच के डॉक्टर बोले, जांच करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले हमको बता दिया कि ये कोमा में चले जाएगा, या तो इसको कुछ याद नहीं रहेगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसका ब्रेन खोल दिया जाता है फिर वो सुध में नहीं रहता, वो सही नहीं हो पाता, या तो वो पलंग पर ही पड़ा रहता है या फिर वो कोमा में पड़ा रहता है। अगर आप बोलें तो हम ऑपरेशन कराएं। ऐसी सिचुएशन पड़ गई गुरुदेव, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया केवल 1% उम्मीद है इसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ये बच गया तो बच गया। घर के लोगों ने उसी समय पर हाँ भर दिया और सुबह 5 बजे ऑपरेशन चालू हुआ। सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन होना चालू हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चले गया, उसका होश चले गया, उसकी सांसें रुकने लगी। वापिस फोन आया, मैं रास्ते में जा रहा था और फोन आया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त ड्यूटी करता है जिसका नाम अरुण ओझा है। मेरा अरुण ओझा दोस्त ने मुझे कहा कि तू घबरा मती, एक काम कर, मेरी माताजी कथा सुनती है सीहोरवाला महाराज की, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करता है, एक काम कर हॉस्पिटल में जो भी हो ना उससे कहो कि बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दिया जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम बच्चे के कान के पास किसी को जाने नहीं देंगे, वेंटिलेटर पर पटक दिया। तो भी हाथ पैर जोड़कर, डॉक्टर कोई धार्मिक था, उससे कहकर बच्चे के कान में हेडफोन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लगा दिया। गुरुदेव, मंत्र लगाने के बाद उसके शरीर में 15 मिनट के अंदर हलचल होना चालू हो गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई
कि मेरे बाबा ने कृपा करी, शंकर जी के मंदिर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाया, एक बेलपत्र उसके पास रखा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बल पर आज मेरा बेटा ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। शिव तत्व शंकर ओ घड़ी है, हमने तो आपको कई बार कथाओं में भी कहा, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा, हमने तो कथा के माध्यम से भी आपको वर्णन किया कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्यों? सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हमने क्यों कहा कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो? क्योंकि जो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दरवाजा बजाने से पहले, दस्तक देने से पहले, बेल बजाने से पहले, वो आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाएगा तो आप जब दरवाजा खोलेंगे तो उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई स्टिकर आता हो, स्टिकर चिपका दो, स्टिकर नहीं मिले तो कोई कागज चिपका दो, कागज ना मिले तो अपने हाथ से लिखकर चिपका दो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हमारे दरवाजे पर कोई बुरी खबर भी आने वाली होगी, अगर हमारे दरवाजे पर कोई बेकार खबर लेकर भी आ रहा होगा, कोई बेकार बात लेकर भी आ रहा होगा और आकर हमारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लेगा तो आप जब दरवाजा खोलकर उसके मुख का दर्शन करोगे तो वो बेकार खबर भी अच्छी होने का प्रयास करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का वो तत्व है जिसको दुनिया के लोग अगर समझ जाएं, कहते हैं दुनिया के लोगों को पहले स्मरण में नहीं था कि पशुपति व्रत क्या है, शिव महापुराण के माध्यम से लोगों ने पशुपति व्रत को जाना, शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जाना, शिव तत्व को, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महत्वता क्या है। पत्र और देखिए, पत्र थोड़ा लंबा है, लगभग 4-5 पेज का है, हम इतना बड़ा तो उसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़े माध्यम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है, मोबाइल नंबर मेरा ये है। एलईडी पर आप लोग आस्था चैनल पर और जो बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हैं इस पर इस पत्र को देख सकते हैं। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है, मेरा मोबाइल नंबर, ये दो मोबाइल नंबर उन्होंने लिखे। फरीदाबाद में रहने वाली हूँ, SGM नगर गली नंबर 4 फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गए, दिखे हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। अगर दिख गए हैं आ जाइए, आप बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है, मोबाइल नंबर ये है, फरीदाबाद में रहने वाली, SGM नगर गली नंबर 4। गुरुजी मेरा बेटा जो कि 18 वर्ष के लगभग का है, 6 सीढ़ी नीचे गिर गया, 6 सीढ़ी नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। बेहोश होकर हम उसको अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है। पत्र में आप लोग टीवी पर पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको पढ़िएगा कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा। हम बेटे का बेटा बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है, सांसें भी नहीं हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और मैं रो रही थी, मुझे रोते हुए मथुरा की दो औरतें, दो लेडीज मिली, वो बोली बेटा तुम मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ शिव को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। मैं बोली आंटी जी मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बोलना नहीं आता। फिर मैंने बोला मैं अपने देवर को लाती हूँ और आप उन्हें बताओ। गुरुजी फिर हम घर आए और देवर से बुलाकर उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वर्णन उन दो औरतों ने बता दिया, कैसे जल चढ़ाना है वो बताया, मंदिर में जाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, पानी लाकर इस बच्चे पर छींटना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप उसके कानों में करना। बॉडी हॉस्पिटल में ही पड़ी थी और मैं अपने देवर के साथ मंदिर ढूंढ रही थी। मंदिर ढूंढते ढूंढते एक मंदिर मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। मंदिर के पुजारी जी ने ताला नहीं खोला, पंडिताइन जी को बोला कि हमारा बहुत बड़ी समस्या है आप दरवाज़ा खोलो। तब पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला पर
पानी चढ़ाकर मैं लेकर आ रही थी तो पानी थोड़ा गिर गया, गिरते से पंडिताइन गुस्से में हो गई, उसने टंगल उठाकर डोलची उठाकर बाहर फेंक दिया, मेरा पूरा पानी चले गया। मैं विनती करी कि मैं पोछा लगा देती हूँ, मंदिर का मैंने पोछा लगाया, फिर पानी चढ़ाया और लिया और वही पानी लेकर मैं अपने बेटे के पास आ गई। गुरुदेव, बेटे के पास आती आते आते इतनी देर में बस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंची थी, इतनी देर में बेटे की श्वास नलिका में थोड़ी सी श्वास आई और श्वास आने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जैसे ही वेंटिलेटर पर डाला, मैं अपने बेटे के शरीर पर पानी को लगा दिया। पानी को लगाने के बाद मैंने अपने बेटे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक घंटे तक वेंटिलेटर के पास डॉक्टर के पांव पड़कर बोलती रही और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा 18 साल का बेटा आज बाबा की कृपा से ठीक हो गया और बाबा की कृपा से जीवित हो गया। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र जान लो, वो शब्द जान लो, वो अक्षर जान लो, वो आनंद जान लो जो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देता है। दीपावली पर अपने अपने घर की सफाई करो, दीपावली पर अपना दरवाजा साफ करो, दीपावली पर अपने दरवाजे को साफ करो, मना नहीं, पर दीपावली पर एक नियम बनाओ कि मैं अपने दरवाजे पर बंदरवाल लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर आम पत्ता लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर लाइट लगाऊं ना लगाऊं, पर अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखूंगी जिससे मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध। आने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, आने वाला व्यक्ति कौन आ रहा है, आने वाला व्यक्ति किस भाव से आ रहा है, ये समझने के लिए वो क्या खबर ला रहा है, अच्छी है बुरी है, सामने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, अच्छा है बुरा है, कम से कम वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर उसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुख का दर्शन करोगे, उसके चेहरे का दर्शन करोगे। अपना स्मरण, अपनी भक्ति, अपना विश्वास शिव के प्रति, भरोसे को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ा लो, और जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है, जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। शिव तत्व रावण पापी था, रावण दुराचारी था, रावण अधर्मी था, कल हमने कथा में कहा था, पर रावण गद्दार नहीं था। कल कथा में कहा था, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमने सुना है कि मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि बुधवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, कोई कहता है गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शुक्रवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई के सोमवार को ये नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है सातों वार मेरे शंकर के हैं। नक्षत्र शिव ने बनाया, काल शिव ने बनाया, पंचांग शिव ने बनाया, समय शिव ने बनाया, घड़ी शिव ने बनाया, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं क्योंकि उसने काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब कुछ उसने बनाया। रविवार उसका है, सोमवार उसका है, मंगलवार उसका है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब वार उसके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है कि हमें रविवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, सोमवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना, शिव महापुराण की कथा कहती है सातों वार तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि सातों दिन तुम्हारा मन पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि सात दिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे वो कभी ना करो। सब कुछ करो पर किसी का बुरा मत करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो सात दिन पर किसी का बुरा मत करिए। क्यों? क्योंकि मान लो तुम सात में एक दिन बाल नहीं कटाओगे तो क्या बहुत बड़े तपस्वी कहला जाओगे, मान लो एक दिन तुमने भोजन नहीं करा तो क्या तपसाधना कहला जाएगी, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई कहता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई कहता है मैं लहसुन नहीं खाता, कोई कहता है मैं ये नहीं खाता, कोई कहता है मैं वो नहीं खाता, निवेदन है तुम कुछ खा रहे हो ना खा रहे हो उससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कि किसी का दिल मत दुखाओ और किसी का हराम का धन मत खा जाओ, बस इतना याद। आप किसी का धन ना खाइए, आप किसी की प्रॉपर्टी ना खाइए, आप किसी का पैसा ना खाइए, आप किसी का वैभव ना खाइए। वो धन कैसे निकलता है, किस रूप में निकलता है, हम पहले भी कथा में कहे हैं। एक दो भाई थे, दो भाई सगे, सगे दो भाई, एक भाई कुंवारा था, एक की शादी हो गई, घर में पत्नी थी, छोटा भाई था, भाई को एक बीमारी लग गई और भाई को बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद भाई उसके ऊपर खर्चा करने लगा, खर्चा करने लगा,
आप ही हैं, ये ओझा जी हैं जिन्होंने इनसे कहा था कि अपने 16 साल का बेटा जिसका ब्रेन खोल दिया गया और कोमा में चले गया, उसके पास में एक घंटे तक लगातार उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और आज बेटा ठीक हो गया है। ये बेटा शिव तत्व है, वो घड़ी है, शिव भक्ति कर रही है। दो भाई, छोटे भाई के शरीर में रोग हो गया, रोग होने के बाद छोटा भाई धीरे धीरे बीमार पड़ता, डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दिलाई, औषधि दिलाई, सब कुछ करा, आखिरी में छोटा भाई ठीक नहीं हुआ। पैसे पे पैसा लग रहा था, धन पर धन लग रहा था। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम्हारे भाई पर लगभग लाखों रुपए खर्च हो गए पर तुम्हारा भाई ठीक नहीं होता, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर से मिल लो और डॉक्टर से मिलकर एक काम करो कि तुम्हारे भाई को धीरे धीरे कर कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे तुम्हारा भाई, क्योंकि अब चल सकता नहीं, पड़ा रहता है, पलंग पर है, उसका जीवन बेकार हो गया, तो उससे तो उसके प्राण छूट जाए तो अच्छा, डॉक्टर से मिलो जा। रो मत बेटा, रो नहीं, देखो बाबा के पास आए हो ना तो रोना नहीं चाहिए, बाबा के पास रोते नहीं। कह रही हैं, मैंने पत्र में लिखा, एक बार तो प्राण छूट चुके थे, दूसरी बार ठीक हो गया, कुछ दिन बाद वापिस कोमा में चले गया, फिर वापिस मंदिर जाना चालू करा, तीसरी बार फिर कोमा में चले गया और बाबा की कृपा से अब बेटा पूर्ण तरह से ठीक होकर बाबा की। एक शिव बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि अब इनका शरीर, तुम्हारे छोटे भाई का शरीर साथ नहीं दे रहा, डॉक्टर से मिलो और कोई ऐसी दवाई ले लो जिससे स्लो पाइजन जैसा दे देकर, अगर अपन पाइजन देकर मारेंगे तो लोग कहेंगे कि बताओ भाई को मार दिया, कोई दवाई ऐसी दे दी जाए जो धीरे धीरे तुम्हारा छोटा भाई, अब शरीर में कब तक पैसा लगाओगे, वो शरीर काम का नहीं है। बड़े भाई ने कहा ठीक है, डॉक्टर से जाकर मिले, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, दो बूंद ये दवाई देते रहना, किसी को मालूम ना पड़े, और वो मरीज गया। डॉक्टर कभी ऐसी दवाई नहीं देता कि किसी के प्राण छूटे। ये बड़ा भाई डॉक्टर के पास नहीं गया था, ये बड़ा भाई किसी हाकिम के पास पहुंच गया, किसी अन्य के पास पहुंच गया और थोड़ा धन देकर उसी को डॉक्टर बनाकर उसी से धन देकर दवाई लेकर आ गया। डॉक्टर कभी बुरा नहीं करता। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। ये दवाई लाया, दवाई लाकर अपनी पत्नी को दी, पत्नी दो बूंद डालती जाए देती जाए, धीरे धीरे भाई मर गया, प्रॉपर्टी पूरी हो गई अपनी, जमीन जायदाद अपनी हो गई, समय बीत गया। बड़े भाई के घर में औलाद नहीं थी, जैसे ही छोटा भाई मरा उसके एक साल बाद छोटे भाई मरने के बाद में भाई की पत्नी को औलाद हो गई। समय आया, समय आने पर बच्चा बड़ा होकर बच्चा और बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में फिर उस बच्चे का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उसकी भी पत्नी आ गई, पत्नी आने के बाद फिर उसकी तबीयत उस बच्चे की खराब हुई, बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बाप को मालूम पड़ा कि असाध्य रोग हो गया है जो रोग समाप्त नहीं हो रहा। बाप अपने उस बेटे के पास में बैठा था, बहू रो रही थी, माँ रो रही थी और बेटे के पास रोता आँख से आंसू ढाल रहा, आंख से आंसू निकल रहे, भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे बेटे को कौन सा रोग दे दिया, मेरे बेटे को कितनी बड़ी तकलीफ दे दी, भगवान तूने क्या कर दिया। अंतिम क्षण था, रो रहा था, तड़प रहा था, पूरा घर बिक गया, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, बेटे को सही कराने में सारी जमीन जायदाद बिक गई, पूरा धन चले गया। तब बाप रोते रोते बोला, बेटा न अब तो कुछ भी नहीं बचा, तेरी माँ के जेवर तक चले गए, सब कुछ चले गया, अब तेरी पत्नी के तन के जेवर भी चले गए, पर तू ठीक नहीं हो पा रहा बेटा, तुझे क्या हो गया, कौन क्या कर गया, समझ में नहीं आता। तब आखिरी में शिथिल सा बेटा पलंग से उठकर बोला, भैया मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पूरी अपने ऊपर खर्च करवा ली,
मैं तेरा भाई, जन्म लिया तेरे ही घर में, तुझसे ही खर्च करवा कर जा रहा हूं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम 7 दिन में 7 बार में बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना जरूर करो कि हम किसी का बुरा ना करें। मालूम पड़े कि तुम लोगों का बुरा करते रहो और फिर विचार करो कि बुधवार को मैं ये नहीं करूंगा, गुरुवार को मैं ये नहीं करूंगा, शनिवार को मैं ये नहीं करूंगा, आज मेरा शनिवार आज मेरा गुरुवार। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं, सारे दिन शंकर के हैं, हर घड़ी शंकर की है, हर पल शंकर का है, हर क्षण शंकर का है। बस निवेदन इतना है कि 7 वार में तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना याद रखो कि किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो, किसी के लिए ताने मत दो, किसी को गाली। कर्म की गति का भोग हमें भोगना है, कोई दूसरा कर्म गति का भोग भोगता ही नहीं है। क्यों आते हैं इतने शुभ भक्त, लाखों की संख्या में आप लोग आयो, लाखों की संख्या में आप लोग आयो और पूरी रात से आ रहे हो, पंडाल में जगह नहीं, धूप में बैठे हुए हो, किसी के पास छाता है किसी के पास नहीं है, परंतु आप अपनी दरी बिछाकर रात भर बाबा का कीर्तन कर कर भोलेनाथ का नाम जप करते हुए पूरी रात से बैठे हो, एक जैसे इंतजार कर रहे हो शिव पुराण चालू होगी, भगवान शंकर की कथा प्रारंभ होगी। क्या है शिव पुराण में, भगवान शंकर के सामने ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती जब आकर बैठे, गणा और गोर बनकर शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, शंकर भगवान की कथा स्वयं शंकर सुनते हैं, शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे उस समय पर वहीं पर उसी जगह पर भगवान शंकर ने तुमरुका जी से पूछा, ए तुमरुकेश्वर, ए तुमरुका, बताओ इस शिव महापुराण के पंडाल का ऐसा क्या महत्व है कि दुनिया के लोग शिव पुराण की कथा में जाकर बैठते हैं, उसका सार तत्व क्या है। तुमरुका जी ने भगवान शंकर की साक्षी में, ईश्वर जी और गोरा जी की साक्षी में, गणा और गौर की साक्षी में कह दिया कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। जिस पंडाल में, जिस भूमि पर, जिस जगह पर ये कथा होती है, वहां 33 कोटि देवी देवता 24 घंटे खड़े रहकर कथा का रसपान ग्रहण करते हैं। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा 24 घंटे देवताओं को खड़ा रखकर भगवान शंकर की विरल कथा का रसपान करते हैं। किसका मंगल बेकार, किसका शनि बेकार, किसका गुरु बेकार, किसका बृहस्पति बेकार, किसका शुक्र बेकार, किसका राहु बेकार, किसका केतु बेकार, किसके घर में वास्तु दोष, किसी के घर में काल सर्प दोष, किसी के घर में पितृ दोष, शिव महापुराण की कथा कहती है। जब वो कथा सुनकर उठकर अपने घर के लिए जाता है, उसके शरीर से उसी जगह की मिट्टी, पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं मेरे पति को 2/5/2024 में हार्ट की परेशानी हो गई थी, गुरुदेव 4 बार डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई। गुरुदेव पति को परेशान देखकर हम पूरा घर परेशान हो जाता, अब करे तो करे क्या। गुरुदेव किसी काम करने वाली महिला ने कहा कि जीजी टीवी खोलो, टीवी में सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा होगा, आप अंकल से कहो वो कथा सुनेंगे। टीवी खोली, उस समय आपकी कथा 1 बजे से 4 बजे तक आ रही थी, वो कथा का रसपान करना प्रारंभ करा। मेरे पति को विश्वास नहीं हुआ कि शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या रोग का निदान हो सकता है, तब टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। उसी दिन मेरे पति ने कथा सुनते से कहा कि तू जा और जाकर 1 लोटा जल ये सियोर वाले महाराज के कहने पर चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं जाती शंकर के मंदिर से जल लाती, अपने पति को गिलास में भरकर वो जल पीने के लिए थोड़ा सा दे देती, रोज अपने पति को जल देना प्रारंभ करा। और डॉक्टर ने तो बहुत डरा दिया था गुरुदेव, फिर हम आखिरी में जाँच कराने के लिए वापस डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने का जो बोला था, ऑपरेशन करने का जो बोला था, डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया इसकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, ना इसको एंजियोग्राफी की जरूरत है, ना हार्ट में ऑपरेशन की जरूरत है, ना बाईपास करने की जरूरत है, इनको घर लेकर जाओ। मैं बाबा को धर्म प्रणाम करने के लिए आई हूँ, एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुना लेते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो। भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम प्रार्थना कर कर जाते हैं, शिव क्यों ना संभाल ले।
शंकर क्यों ना करुणा कर दे। किसी के यहां पर 4 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहां 10 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहां 15 साल बाद हो रही है, किसी के यहां 14 साल बाद हो रही है। इतने पत्रों का ढेर लगा पड़ा हुआ है कि हम इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाए, इतने पत्र हम पढ़े भी नहीं। किसी के यहां 4 साल, किसी के यहां 8 साल, किसी के यहां 10 साल, किसी के यहां 15 साल, किसी के यहां 20 साल बाद संतान का सुख प्राप्त होता है। किसके बल पर? कौन कौन देता? आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करते हो, जो शिव के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते हो, जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देते हो, मंदिर में जाकर साफ सफाई कर देते हो, मंदिर में जाकर दीपदान कर देते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास शिव के प्रति बढ़ा तो मेरे ओघड़दानी ने, मैंने शंकर ने तुम्हें देने में कमी नहीं रखी और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी। प्रतिदिन अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए और अच्छा करने का प्रयास करिए। हमारा नियम है, हम हमारे भोले बाबा की सेवा करते हैं, हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम हमारे शंकर जी की सेवा करते हैं, सालिग्राम जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की। तो हमारा नियम है, हम रोज प्रतिदिन इस व्यास पीठ पर आते हैं तब, व्यास पीठ से जाते हैं तब, रोज झोली पसार कर। आपने देखा भी होगा कि हम झोली पसार कर प्रणाम करते हुए एक ही चीज कहते हैं, मेरे बाबा किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बस इतना ध्यान रखो मेरे बाबा, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी करुणा करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली ना रहे, किसी महिला की गोद खाली ना रहे। इतनी कृपा करना, इतनी दया करना और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ये करुणा करिए। जिस महिला की गोद खाली रहती है उसको जगत में सुनना बहुत पड़ता है। बताओ, बांझे, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं, पुरुष से नहीं कहते, स्त्री को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, महिला को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, महिला से ज्यादा कहते हैं, इसकी संतान नहीं, इसकी संतान नहीं, इसकी संतान नहीं, उसको सुनना पड़ता है। और जिस महिला की गोद खाली है उसको जगत के ताने सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली है, जिसके पास धन नहीं होता ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, उसके घर में उसका इज्जत नहीं होता, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, परिवार वाले भी सम्मान नहीं देते। सगे 4 भाई हैं, 3 भाई अगर काम पे लगे हैं, पैसा है, और 1 भाई के पास पैसा नहीं है ना, तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि शादी यहाँ करें कि नहीं करें, लड़के की शादी है या जमीन जायदाद का फैसला है या कोई दूसरा फैसला है, उससे नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या पूछेंगे उससे। जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, अगर दोस्तों के साथ बैठा है तो भी हंसी उड़ाई जाती है, रिश्तेदारों में जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है, ससुराल जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है, संबंधियों के जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ये जिंदगी का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। शंभू 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 शंभू, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भरी। शंकर बाबा के मंदिर, मेरे शिव के शिवालय में, मेरे शंकर का देवालय, मेरा शिव का शिवालय जीवन में खुशियां देने वाला है, खुशियां, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। कभी मौका मिले जिंदगी में सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आप जब जाएं, जब मौका मिले और कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर जब जाएं, भगवान शिव की चौखट पर जब जाएं, साउंड वालों की भी आदत होती है, अच्छा साउंड चलता रहेगा तो उसमें उंगली कर देते हैं कि गड़बड़ कर भगवान, कभी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाएं, भगवान शंकर की पवित्र धरा पर जाएं, शिव तत्व की ओर जाएं, भगवान शंकर की चौखट पर जाएं, शिव के पास कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब पहुंचे तो अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करकर जब कंकर शंकर को वहां से उठाएं, उठाकर जब कंकर शंकर की पूजन करें तो बाबा से अपने मन की बात जरूर कहा करो, प्रतिदिन विनय जरूर करा, निवेदन जरूर करा।
और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे माँगे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम शिव से कहें, शिव उसको स्वीकार करो, शंकर उसको स्वीकार करो, कितनी आस, कितना विश्वास, कितना भरोसा आप लोग हृदय में रख कर आते हो, श्रवण करते हो, एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हो। कल किसी एक बहन ने एक पत्र में लिखा, शिव कौन सा जल स्वीकार करते हैं, शंकर भगवान कौन सा जल स्वीकार करते हैं, गंगा का जल, सरयू जी का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, कुएं का जल, हेडपंप का, हापसी का जल, सरोवर का जल, कुंड बावड़ी का जल, सरयू, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कौन का जल शिव अधिक प्रिय रख। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा जल है, गंगा का, सरयू का, कावेरी का, गोदावरी का, नर्मदा का, कुएं का, बावड़ी का, तालाब का, मानसरोवर का, पुष्कर का, कुरुक्षेत्र का, कहां कहां कौन सा जल शंकर को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भाव का जल अति प्रिय है, शिव को भाव का जल चाहिए। एक लाइन पहले आप लोग भजन में गुनगुनाते थे, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। फिर आगे उसमें कहा, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, और भाव से रीझे शाम, भगत के वश में हे भगवान, भगत के वश में हे भगवान। भगवान को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, भगवान को तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, भगवान को तुम्हारा विश्वास चाहिए, भगवान को तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए, भगवान बिना भाव के कभी रीझता नहीं। गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा का जल लेकर भी आ गए और तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो गंगा का जल क्या करेगा, बोलो बोलो जम के बोलो जरा सा, गंगा का जल कुछ करेगा फिर? सरयू जी का जल ले भी आए और तुम्हारा भाव नहीं है तो सरयू का जल क्या करेगा? मन चंगा तो कठोते में गंगा, राम जी के सामने निषाद राज केवट बैठे हुए हैं और केवट भगवान राम जी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे चरण धुलाना है, केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है, केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है, चरण धुलाना है, मेरे को आपके केवल चरण धुलवाना है और चरण धोने का मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण दो, मुझे आज्ञा करो, चरण धोने की आज्ञा दो। राम जी ने निषाद राज से कहा, केवट से कहा, ए केवट सामने गंगा जी का जल है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, गंगा जल में जाकर खड़ा हो जाता हूं, तू वहां धो लेना, चरण धुल जाए।
इतने में केवट बोला, नहीं 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 नहीं, हमें गंगा जी के जल से धोना ही नहीं है, हमें गंगा के जल से नहीं धोना। हमें गंगा के जल से तुम्हारे चरण धोना ही नहीं है। तो भगवान राम जी ने पूछा, कौन से जल से धोएगा? जो शिव महापुराण की कथा कह रही थी वही मेरे राम जी ने केवट से कहा है। बहुत ध्यान लगा कर सुनना। हमने कई बार कथाओं में कहा, मंदिर का जल लेकर मंदिर में मत चढ़ा। बोला कि नहीं बोला? जम के बोलो जरा। मंदिर में से पानी भर लिया, मंदिर की बाल्टी में से जल भर लिया और भगवान को चढ़ा दिया, ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर जाओ, घर से लोटे में जल भर कर लेकर आओ, जब घर का जल लाकर चढ़ाओगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। केवट क्या कराए? केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं गंगा जी के जल से तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा। तो फिर जल कहां से लाएगा? इतने में केवट कहता है, मैं जल अपने घर से लेकर आऊंगा, अपने घर से। तो राम जी केवट पर हंसकर बोले, तेरे घर में जो जल है वो कहां का है? केवट बोला, ये गंगा जी का ही है, ये गंगा जी का ही। तो फिर घर के जल में और गंगा के जल में क्या अंतर आ गया? केवट कहता है, ये तो गंगा अविरल बह रही है, धोए तो कोई धोले, पर घर जाऊंगा, घर जाकर अपने हंडे में से, मटके में से, अपने मटके में से, अपने हंडे में से, वो मेरे घर का हंडा मटका है, उसमें से मैं जब जल भर कर लेकर आऊंगा तब मैं आपके चरण पखारूंगा, तो वो जल साधारण नहीं होगा, गंगा के जल से भी प्रबल हो जाएगा। जिसने रामचरितमानस सुनी है, जिसने रामायण पढ़ी है, केवट अपने घर गया, घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाया, कठोता कहाँ है? कठोता जानते हो? जम के तो बोलो जरा, जानते हो? कठोता मतलब आटा उसनने का बर्तन, पात्र। हमारे यहाँ सीहोर में उसको परात कहते हैं, अब तुम्हारे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं हमको नहीं, परात कहते हैं, उसी को कठोता कहते थे। उस पहले काय के परात चलती थी, अभी तो स्टील की, तांबे की, पीतल की परात चलती है, पहले चलती थी लकड़ी की और पत्थर की परात। केवट गया घर, घर जाकर केवट ने आवाज लगाई, घर जाकर केवट ने आवाज लगाई और केवट ने घर जाकर जब आवाज लगाई पत्नी को, सुनती है, धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? केवट ने आवाज लगाकर कहा, कठोता कहाँ है? कठोता, पत्नी बोलती वो रखा। केवट बोला, ये तो पत्थर का है, मेरी दादी के हाथ का कठोता कहाँ है? दादी वाला, हाँ, वो लकड़ी का, हाँ। पत्नी ने पूछा, क्यों? ये पत्थर के कठोते पे चरण नहीं धुला सकते जो लकड़ी का कठोता लेकर जा रहे हो? इतने में केवट कहता है अपनी पत्नी से, तू समझती नहीं है, पत्थर के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेती है, जब जब आटा उसनेंगे अंदर से पानी निकल आएगा और अपन रोज तर जाएंगे। ये कृपा प्रभु, पत्थर के कठोते में राम जी के चरण नहीं धुलाए केवट ने, लकड़ी का कठोता रहा, घर में से पानी भरा, पत्नी के हाथ में दिया और चिल्लाते चिल्लाते गया, रे हम जा रहे हैं चरण धुलाने, जिसको आना आ जाओ, सारे के सारे आ गए। भगवान राम जी को कठोते में खड़े होने के लिए केवट ने विनती करी, बाबा आप, राम जी आप अपना चरण कठोते में रखिए। राम जी ने अपना एक चरण कठोते में रख दिया, केवट से बोले धुला ले, केवट बोला नहीं धुलाऊं, केवट बोला नहीं धुलाऊं, राम जी बोले धुला, केवट बोले नहीं धुलाऊं, क्यों? केवट बोला, हमारी अम्मा कहती थी, किसी का एक चरण छुओ या प्रणाम करो या किसी का एक चरण धो तो लड़की होती है, और दोनों चरण प्रणाम करो तो लड़का होता है। ओ प्रभु, हम आपके दोनों चरण पखारेंगे, दोनों चरण को प्रणाम करेंगे। राम जी से कहा, तुम दोनों पांव बर्तन में रखो। अब बर्तन था छोटा और राम जी के चरण मोटा, अब बर्तन में रखें तो रखें कैसे? इन्होंने लक्ष्मण को देखा, सीता को देखा, सीता जी बोली, अब तो रखना तो पड़ेगा, रख दो। राम जी बोले, गिर पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले, आप चिंता मत करो, हम शेषनाग जब पृथ्वी को संभाल सकते तो तुम्हें भी संभाल लेंगे, तुम गिरोगे नहीं, तुम तो रखो पांव, रखो अंदर, तुम रखो तुम्हारा पांव अंदर। और भगवान राम ने दोनों पांव रख दिए, दोनों पांव, और रखने के बाद इधर से लक्ष्मण जी पकड़े, इधर से सीता जी पकड़ी। इतने में केवट बोला, नहीं टच नहीं चलेगा, हम कीपैड वाले हैं, टच स्क्रीन से काम ही नहीं होगा, आप तो इनको छोड़ो, राम जी अकेले खड़े,
और केवट ने अपनी पत्नी को घर से जो जल भरकर लाया था, घर के जल का महत्व क्या है ये रामचरितमानस भी कहती है। केवट जो घर से जल लाया था वो अपनी पत्नी को दे दिया और पत्नी से कहा तू जल चढ़ा, मैं हाथ से मलता हूं। और पत्नी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और केवट हाथ से मले मले तो राम जी का बर्तन केवट मलते मलते हिला दे, जैसे हिलाए तो राम जी के गिराएगा। केवट बोले नहीं गिरोगे, मेरे को पकड़ लो। राम जी बोले अभी लक्ष्मण को पकड़ रहा था तो मना करा, सीता को पकड़ रहा था तो मना करा, और अब क्या करें, मुझे पकड़ लो। इतने में राम जी के पत्र को बर्तन को फिर हिलाया, उस कठोते को जैसे हिलाया तो राम जी गिरते गिरते बचे। इतने में लक्ष्मण जी बोले भैया पकड़ लो। इतने में केवट का कंधा पकड़ा, कंधा पकड़ा तो केवट बोला कंधा पकड़ोगे तो और गिर जाओगे, सिर पकड़ो सिर। अब राम जी ने एक हाथ से केवट का सिर पकड़ा। केवट भी पक्का भगत था, उसने सोच लिया था ये नारायण है, एक हाथ तो किसी पे भी रख देंगे, दोनों धरवाना है, दोनों धरवाना। और केवट ने चाल चली, चरण धुलाते धुलाते अब की बार पर हाथ को पूरा ही मोड़ दिया, जो कठोते को मोड़ा। इतने में राम जी ने दोनों हाथ सिर पर रख दिए, केवट के सिर पर हाथ है, देवता पुष्पों की वृष्टि कर दी है, अरे धन्य है रे धन्य है। इतने में पत्नी ने पूछा ये दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर कैसे आ गए। केवट ने कहा अगर गंगा जी के जल से धुलाता तो एक ही हाथ आता, घर से जल भर कर लाया इसलिए दोनों हाथ सिर पर आए, ये दोनों हाथ सिर पर। आप लोग अपने अपने घर से जल ले जाती हो मंदिर, जम के बोलो जरा, मंदिर का जल तो नहीं लेती हो? अगर मंदिर का जल लेओगी तो एक रुपया जमा करना दान पेटी में, क्योंकि पंडित जी ने पानी भर के रखा, मोटर चली, लाइट का सब का मिला के एक रुपया दान पेटी में डालो तब मंदिर का पानी लो। उससे अच्छा अपन अपने घर से लेकर जाएंगे, जैसे केवट घर से भर कर लाया, मन चंगा तो कठोते में। शिव तत्व हो, शंकर करुणा सागर, और जब शिव के लिए लोग कहते हैं कौन सा जल श्रेष्ठ है महाराज, एक महिला ने पत्र में लिखा था कल, गंगा का, यमुना का, सरयू का, कावेरी का, नर्मदा का, बावड़ी का, तालाब का, समुद्र का, कुंड का, सरोवर का, हेडपंप का, कौन सा जल श्रेष्ठ है, कौन सा जल श्रेष्ठ है, जम के बोलो जरा, भाव का जल, जो तुम हृदय से चढ़ा दो तुम्हारे दिल से, जिस दिन तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम भाव से अपने घर का जल भरकर जब बाबा के यहाँ चले जाओ, बाबा उस जल को स्वीकार कर लेता है, और जैसे ही तुम चढ़ाते हो जल वैसे ही बदल देता है वो तुम्हारा कल। ये शिव की रीत है, ये शिव की रीत। शंकर खाली नहीं छोड़ते, हम जिसको समय दे रहे हैं वो हमको भी समय देता, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमें भजन के लायक बना देता। आप दिल से उसको समर्पित तो हो, संसार में तुम्हारे जाने पर लोग स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर मिस यू लिखने वाले ढेर मिलेंगे, ढेर। हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, किसी के जाने पर मिस यू लिखने से अच्छा है उसके होने पर लिख दो विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। जब चले गया तो लिखा मिस यू, अब तुम्हें जब वो है पृथ्वी पर है, जब संसार में है, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पास में है, तो लिखो विद यू, मैं तेरे साथ हूं हर पल हर घड़ी हर क्षण। और मेरा भोले बाबा मृत्यु लोक का देवता है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने अपने लोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, देवता अपने लोक में रहते हैं, मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में रहता है, इसी पृथ्वी पर रहता है, इसलिए वो मिस यू नहीं विथ यू है, वो तुम्हारे साथ में है। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।
अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए, बाबा उसको स्वीकार करे, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से भाव के साथ में प्रार्थना करिए। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठिए। कथा का विराम दिवस है आज। अपने मन की बात बाबा से दिल से कहिए, और कहने के साथ में ये भी कहिएगा कि बाबा ऐसी कृपा कर कि अगली कथा में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर जाए, ऐसी करुणा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक लोटा जल जब निषाद राज लेकर आते हैं, केवट लेकर आते हैं, वो जल शिव जी को समर्पित कर राम जी के चरणों में समर्पित करते, उस एक लोटे जल का इतना महत्व हो जाता है क्योंकि वो घर से लाया गया। फिर निवेदन है, घर का भोजन घर का भजन ये दोनों साधारण नहीं है, ये दोनों साधारण नहीं है। घर का भोजन और घर का भजन दोनों साधारण,
अपने घर में जो मिले, अपने घर में जो प्राप्त हो जाए, दो रोटी हो, ढाई रोटी हो, एक रोटी हो, तीन रोटी हो, चार रोटी हो, जो अपने घर का मिल जाए वो होना चाहिए। और अपने घर का भजन, अपने घर के अंदर रहकर, अपने घर में जितना भगवान की भक्ति कर सकते हो, अपने घर में रहकर जितना भगवान का भजन कर सकते हो उतना भजन। तीर्थ में जाकर बैठ जाना या कहीं और पहुंचकर भगवान की भक्ति करना, उससे श्रेष्ठ है अपने घर के अंदर रहकर। बेस ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर आवाज ही नहीं आ रही है? इतना तेज तो स्पीकर भी नहीं खुला है कि बार बार सीटी मारे, बेस हो रहा है या उसमें गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ। घर का भजन या घर का भजन और घर का भोजन, ये दोनों श्रेष्ठता, दोनों श्रेष्ठ। भजन भी हमारे घर का और भोजन भी हमारे घर का। जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में बैठते हैं, जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में रहते हैं, पूरा परिवार एक जगह पर एकाग्रित होता है, पूरे परिवार के साथ मिलकर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, एकाग्रित होकर जब हम भोजन करते हैं, तो अपने मन में जो होता है, अपने भीतर की जो बातें होती हैं, हम सामने प्रकट करते हैं। अपने भीतर की बात सामने प्रकट कर रहे हैं। घर में रहकर जब हम भजन कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम अविदल भक्ति को धारण कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए होते हैं, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, जब जिस जगह पर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे होते हैं, उस जगह पर आकर विराजमान हो जाते हैं, उस जगह पर। आपको कहीं नहीं जाना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, तीर्थ पर जाकर बैठ जाना सरल है, सन्यासी बन जाना सरल है, अपना घर छोड़ देना सरल है, किसी गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ जाना सरल है, मठ मंदिर आदि का निर्माण स्मरण पर। अपने शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीर्थ, कहीं किसी मठ में जाकर बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, कहीं तीर्थ में जाकर बैठ गए, कहीं जाकर बैठ गए, ये तुम घर छोड़कर जहाँ जाकर बैठ जाओगी ये सब सरल है, पर दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है अपने गृहस्थाश्रम में रहना, घर में रहकर भगवान का भजन करना, ये कठिन। वो दुनिया का सबसे कठिन काम है। घर में रहकर भगवान का भजन होना, बेटे की तबीयत खराब हो रही है, बहू को कुछ हो रहा है, पति को कुछ हो रहा है, पत्नी को कुछ हो रहा है, दादा को कुछ हो रहा है, दादी को कुछ हो रहा है, घर में आवक कम हो रही है, जावक ज्यादा हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, उस बीच में भगवान की भक्ति करो, तो उस बीच में परमात्मा की भक्ति करो तो सर, कितना कठिन है। एक माता ने एक पत्र लिखा है, आरती सिंह,
मैं गाजियाबाद कोट गांव की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती सिंह है, मैं गाजियाबाद कोट गांव की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 3 साल पहले बाबा की कृपा से कथा से जुड़ी हूं, संतान नहीं थी, 17 साल हो गए थे मेरे यहां औलाद नहीं थी, और 17 साल तक जब मेरे घर में औलाद नहीं हुई, आज से 2.5 वर्ष पहले मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 17 साल तक जब संतान नहीं हुई, आपकी कथा 2.5 साल पहले टीवी पर श्रवण करी 3 साल पहले, और बाबा से जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। 2.5 वर्ष हो गए, 17 साल पहले 17 वर्ष हो गए थे मेरी शादी को, संतान नहीं थी, और मेरे घर में बाबा की कृपा से एक बेटे ने जन्म लिया 17 साल बाद। बेटा मेरा 2.5 वर्ष का हो गया गुरुदेव। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठ कर कथा सुनो, मैं अपने 2.5 साल के बेटे को लेकर पंडाल में हापुड़ की इस भूमि पर आई, और गुरुदेव आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, मैंने इस पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ने मुझे पुत्र तो 17 साल बाद दिया, एक हमारा 25 वर्ष का एक जमीन का केस चल रहा था जो अदालत में निर्णय नहीं आ पा रहा था, हम बड़े परेशान हो गए थे 25 साल से, तब मैं हापुड़ की पहले दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर भूमि को नमन कर रज को मस्तक चढ़ाकर, आप कहते हो कि मस्तक पर चंदन जैसी लगाकर चली गई, और बाबा को मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आज मैं 5वें दिन वापिस प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 25 वर्ष का हमारा केस सुलझ गया और मेरा प्लाट मुझे वापिस मिल गया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा शिव तत्व भक्ति के रूप में विराजमान, शिव तत्व एक अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा दड़ी। कोई कहे कि शिव जी को केवल हम जल चढ़ा रहे हैं, ना ना ना, माता पार्वती जी की कथा कहती है, पार्वती जी शंकर जी को जल चढ़ाती हैं, माता सती शिव जी को जल चढ़ाती हैं, भगवान गणेश शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, ऐसा कौन है 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देव नहीं जो भगवान शंकर को जल ना चढ़ा, शिव की आराधना ना करे, शंकर की भक्ति ना करे, शिव आराधना में जो डूबा ना हो। शिव तत्व में जो डूबा ना, शंकर की विरल भक्ति में जो डूबा, कितना देता है वो, कितना प्रदान करता है वो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीव जीवित है, संसार में है, संसार सागर में है, दुनिया के लोग अगर तुमसे कहें कि शंकर भगवान तो बहुत दूर हैं, शिवजी तो बहुत दूर हैं, शंकर भगवान सबको कह देना भगवान नारायण बैकुंठ में है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, केवल मृत्यु लोक का देव है, देव आदिदेव महा देव है,
शंकर भगवान से जो हम कहेंगे, शिव से जो हम कहेंगे, शंकर की भक्ति में जो हम कहेंगे, वो शिव हमें स्वीकार, शिव स्वीकार। दो चीजें घर की करिए, एक भोजन और दूसरा जम के बोलो जरा भजन, दोनों घर में करो। भोजन भी घर का और भजन भी घर का, दोनों को घर का बनाओ। और जितना हो सकता है भोजन घर का बनाकर जो प्रेम से, दो रोटी, ढाई रोटी, एक रोटी, आधी रोटी, चावल दाल जो तुम खा सकते हो वो घर का पाए, घर का। और भजन भी घर का हो, तुम्हारे घर में बैठकर जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो, घर में बैठकर जो भगवान की भजन को कर सकते हो, उसको उतना करिए, उतना। हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष के पास में भगवान शंकर के नेत्र से, नेत्र बंद करने पर एक अश्रु निकल गया था, वो अश्रु से एक बालक प्रकट हो गया था जिसका नाम अंधकासुर था, जिसको लोग अंधकासुर कहते हैं। एक बालक प्रकट हो गया था जो अंधकासुर था, अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में उठा लिया था, माता पार्वती जी ने जब गोदी में उसको लिया, और पार्वती जी गोदी में लेकर शंकर जी के पास जाकर कहती हैं कि ये मेरा पुत्र है। शंकर जी मना करते हैं, पार्वती इस पुत्र को तू पुत्र मत मान, इसको तो समुद्र में फेंक दे, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो इसको समुद्र में फेंक दे, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। पार्वती जी कहती नहीं नहीं, इसको तो मैंने अपना मान लिया है, इसको तो मैंने अपना जान लिया, इसको तो मैं पुत्र भाव में देख लिया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। और शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है कि किसी के जाने के बाद मिस यू कहने से अच्छा है विथ यू कहिए, मैं आपके साथ हूं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के पास में, कभी एकांत में बैठकर शिवालय में, एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब कोई एकांत में पेड़ के नीचे, ओटले पर, खेत में, खलियान में, कहीं पर भी शंकर जी का ओटला हो उस पर शिवलिंग बैठा हो, वहां पर एकांत में गाड़ी से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, टू व्हीलर से जा रहे हो, और एकदम कोई शंकर का शिवलिंग तुम्हें एकांत में दिख जाए, खाली एकदम, तो वहीं पर पांच मिनट बैठो और बैठते से बाबा को अपने दिल की बात कहो, हे शंभू, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, मैं तेरा हूं। हे ओघड़दानी, मैं तुम्हारा हूं। कभी कभी महाकाल राजा को भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव को कह दिया करो, ऐसा कोई पल ना आए, ऐसी कोई घड़ी ना आए, ऐसा कोई क्षण ना आए जिस समय मैं आपको याद ना करूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुझे याद करता है। वो कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी सुबहानाए नाए ऐसी शा, जिस दिन जुबा पे मेरे आए शिव का नाम, ऐसी सुबहानाए ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव मेरे मुख में, एक पत्र है,
मैं प्रियंका शर्मा, पत्नी अमित शर्मा, श्रीनगर मुकाम है, श्रीनगर हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही है, बाबू आया है साथ में, लिया उसको, लिया लिया। मैं प्रियंका शर्मा, पत्नी अमित शर्मा, श्रीनगर हापुड़ की निवासी हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। जहाँ जाती थी शादी के बाद, 2-3 साल निकलने के बाद में लोग टोकने लगे थे, संतान का सुख नहीं है, संतान नहीं, संतान नहीं। हमने डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा, 5 साल तक हमने डॉक्टर का पूरा इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। AIIMS से भी हमने, दिल्ली के हॉस्पिटल से भी इलाज करवाया, तब संतान का सुख नहीं आया। बहुत परेशान हो गए। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय, अभी राम जी की ही कथा चल रही थी, और हमारे सांसद महोदय श्री अरुण गोविंद जी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया, जिन्होंने जो रामचरितमानस पूरे हृदय में बैठी है लोगों के दिल में, ऐसी पवित्र रामचरितमानस में राम जी का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविंद जी, एक बार जोरदार ताली बजा। कैसे हैं? हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक जी भी, विजयपाल आरती जी भी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन अभिनंदन, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पधारे। मैं दो शब्द में माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा, माननीय अरुण गोविंद जी से, सांसद जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द वो अपने अवश्य कहें। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। दो शब्द में माननीय अरुण गोविंद जी से, सांसद जी से कहूंगा कि अपने दो शब्द वो अवश्य कहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला, आपका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संत से बड़ा इस विश्व में कोई नहीं होता। संत वो व्यक्तित्व होता है जो सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेता है, और उसके द्वारा ही हम सबके कष्ट हरे जाते हैं। रावण इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, पार्श्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम नियत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते, यह है रघुवंशों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। और अगले दिन रावण फिर शस्त्र लेकर आते हैं, और जो परिणाम हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। हर हर महादेव।
हर महादेव। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी का, माननीय विधायक महोदय जी का। शंभू शिव तत्व कह रहा है, पत्र था, मैं प्रियंका शर्मा पत्नी अमित शर्मा श्रीनगर हापुड़, शादी के 10 वर्ष हो गए, दिल्ली स्थित AIMS से भी हमने इलाज करवाया पर उसका फल नहीं मिला। तब हमने किसी के कहने पर पहली बार कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और सफ़ेद आंकड़े की जड़ और बेलपत्र का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत रखा और बाबा की कृपा से 2 महीने के अंदर गर्भ ठहरा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 24 जुलाई 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। ये शिव भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है। रिटर्न बढ़ा दो भैया, ये हमारे जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बकान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटे बबूत मेरे खजाना कुबेर का, गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभू तार तार तू। एक शंकर की करी हुई अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान कर दे, विश्वास। पार्वती, ये जो बालक है इसको ले जाकर समुद्र में डाल दे, इस बालक को समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु इसको तो मैंने अपना पुत्र माना है, अपनी संतान मानी है, मैं इसको समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ, कैसे फेंक सकते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी नेत्र बंद करने के बाद ये बालक प्रकट हुआ है। शिव महापुराण की कथा अभी कह रही थी कि जब तक संसार में हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, रिश्ते नाते में हो, अपने परिवार के साथ जुड़कर चल रहे हो, तो ऐसा प्रयास करो कि मैं सबका भला कर सकूं। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमने तो ऐसा मन बनाया कि मैं भला कर सकूं, पर दुनिया तो हमारा भला करे। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम भला कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भला करने में लगे हुए हैं, पर दुनिया हमारा बुरा कर रही है। दुनिया हमारा भला नहीं कर रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने कर्म को संवारने का प्रारंभ करिए, आप अच्छा करने का प्रारंभ करिए। दुनिया अगर बेकार कर रही है तो उसको करने दो, आप अपना लक्ष्य अगर निश्चित रखोगे तो तुम्हारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, आपका भला ही हो। भला करने का प्रयास करो, किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। माता पार्वती जी ने, मां जगत जननी ने बालक को लिया और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया।
हिरण्याक्ष ने उस बालक का पालन पोषण करा और पालन पोषण कर उस बालक का नाम अंधकासुर रखा। जब बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, हिरण्याक्ष को जाने के बाद में अंधकासुर को क्रोध आया कि मेरे पिता चले गए। और पिता ने बताया, पिता ने ये कह दिया कि पिता बोले, पिता ने तुरंत कहा कि तेरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, तू तो समुद्र के जल में मुझे प्राप्त हुआ था, इसलिए मैंने तेरा भरण पोषण किया। समुद्र के जल में तू मिला। जब पिता के शब्द सुनकर हिरण्याक्ष चले गया, हिरण्याक्ष के दाने के बाद में अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना आए, मेरी मौत ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मौत ना आए, तुम्हारी मृत्यु ना आए, प्राण तो छूटता है। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम आए हैं, मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो प्राण तो छूटना है। अगर पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद प्राण तो छूटना है, प्राण तो छूटेंगे। और फिर निवेदन है, संसार में जन्म लिया है तो जाना तो है, पर शिव महापुराण की कथा करती है कि जन्म लेने के बाद कोई ऐसा कर्म कर चले जाओ, कोई सत्कर्म ऐसा कर चले जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें कि कोई आया था और उसने कोई अच्छा कर्म करा। मृत्यु लोक में आने के बाद कोई ऐसा कर्म कर चले जाओ, कोई सत्कर्म कर चले जाओ जिससे दुनिया के लोग याद रखें कि कोई कर्म अच्छा किया। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म हम ऐसे कर चले जाएं कि आने वाला समय हमारे स्मरण में आए कि कोई आया जिसने कोई सत्कर्म किया, कोई भजन किया, कोई कीर्तन किया, कोई मंत्र जाप किया, कोई नाम जाप किया, कोई स्मरण किया। अच्छा कर्म करिए। अच्छा, अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, प्राण जाएंगे भी, प्राण जाएंगे तो मुझे वर दो। ब्रह्मा जी, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि पर स्त्री और पर धन हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि हिरण्याक्ष ने कहा है कि तेरी कोई माता नहीं है, तू जन्म ही नहीं लिया माता के गर्भ से, पर माता पार्वती जी ने तो इसको पुत्र के रूप में माना था, माता पार्वती जी ने इसको गोदी में पुत्र स्वरूप में लिया था, इसको नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे पुत्र स्वरूप में लिया। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और आया समय जब अंधकासुर बड़ा हुआ, समय की अवस्था में राज सिंहासन पर बैठ गया, चारों तरफ उसने आक्रमण कर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तब अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना, जो बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर नारी हो उसको देख कर आई, श्रेष्ठ स्त्री श्रेष्ठ नारी से मुझे विवाह करना। तभी दूतों ने कहा जो श्रेष्ठ नारी थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो तो शंकर भगवान के साथ ब्याह गई, माता पार्वती जी।
अंधकासुर ने विचार करा तो पार्वती जी अगर शंकर जी के साथ ब्याही तो शंकर जी तो शमशान के निवासी हैं, भस्म रपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, उसके साथ पार्वती जी नहीं रह सकती, मेरे साथ रहेंगी। अंधकासुर चले गया और माता पार्वती को लेने के लिए जैसे ही गया, पार्वती जी की सुंदरता जैसे ही देखकर माता पार्वती को लाने का प्रयास करा, ब्रह्मा जी का वर मांगा हुआ था इसने कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे, और वही हुआ। आज माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, शंकर भगवान के सम्मुख में क्रोध आया, शिव जी को काल भैरव प्रकट कर लिया, काल भैरव को प्रकट करा और उस काल भैरव ने अंधकासुर का वध कर दिया। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया, माता पार्वती रो रही थी। रोने का कारण केवल इतना था कि पुत्र गलत दृष्टि से देख लिया, गलत। समय बहुत बदलता है, बहुत बदलता है समय, बहुत। कितना भी समय बदले, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। समय कितना बदलता है, यहां पर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, यहां मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहां मेरी जीजियां बैठी हैं, यहां मेरे जीजा बैठे हैं, आप सब यहां पर बैठे हुए हो। मैं नवयुवक बच्चों से नहीं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से, ये तो आज की पीढ़ी है। हम बात कर रहे हैं जो मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी, मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, उस समय पर जब हमारी और आपकी उम्र कार्टून देखने की थी, हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में होता था, कार्टून नहीं देख पाते थे, न्यूज देखना पड़ती थी। बोलो सही है कि गलत? कार्टून देखते थे, जम के बोलो जरा। नहीं, कार्टून क्यों नहीं देख पाते थे, क्योंकि जिस समय पर कार्टून देखने की हमारी उम्र थी, उस समय पर हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में था। पापा क्या, और हमें क्या देखना पड़ता था, जो पिताजी को अच्छा लगे, न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज देखो, उनको कोई गाना अच्छा लग रहा है तो गाना देखो, उनको जो अच्छा लग रहा है, पिताजी को न्यूज देखना पड़ता था। हमारे हमारी कार्टून की उम्र में हम न्यूज देखा करते थे, और आज का जमाना वो बदला, आज का जमाना वो बदल गया कि आज बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपने बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखना पड़ता है। क्योंकि हमारे समय में, आपके समय में रिमोट पिताजी के हाथ में होता था, आज के समय में बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए, बहुएं इतनी एजुकेटेड हो गई, बेटे इतने एजुकेटेड हो गए कि बच्चों के हाथ में अगर रिमोट है और दादी दादा अगर रिमोट ले लें तो बहू और बच्चों के पिताजी और माताजी सबका मुंह फूल जाता है, भगोने जैसा मुंह हो जाता है। मम्मी दिन भर कथा सुनती रहती हो, मम्मी दिन भर टीवी देखती रहती हो, पापा दिन भर वो सीओर वाला महाराज को देखते रहते हो, पापा दिन भर कथा सुनते रहते हो, रिमोट दे दो ना बच्चों के हाथ में, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे, स्कूल से अभी तो आए, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे। पहले का समय था, पिता के हाथ में रिमोट होता था, हमारी कार्टून की उम्र थी, हमें भी न्यूज़ देखना पड़ती थी। एक आज का समय है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में रिमोट पूरे घर का है, और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को चुप रहना पड़ता है, और छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना मानना पड़ता है, छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को मानना पड़ता है। मम्मी बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुमसे कह रहा है तुम सुन नहीं सकती, दादी दादी कहकर बोल रहा है तुम सुन नहीं सकती, दादा दादा कहकर बोल रहा है तुम सुन नहीं सकते। घर बड़ा होता चले गया, पर जो बुजुर्ग होते चले गए थे, घर के अनुसार जो घर के जैसी नींव जैसे बढ़ते चले गए थे, जिनकी उम्र होती चली गई थी,
घर बड़ा होता चला गया, पर लोगों की, घर के बुजुर्गों की सम्मान इज्जत कम करते चले गया, कम करते चले। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर जितना बड़ा होता चले जाए, घर के बुजुर्ग की इज्जत भी उतनी बढ़ते चले जाना चाहिए। घर के बड़ों की इज्जत उतनी बढ़ती चली जाना चाहिए। ताऊ है, ताई है, काका है, काकी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, मौसा मौसी, परिवार, माता पिता, इनकी इज्जत बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि वो अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करें, सम्मान करना प्रारंभ करें। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, उसका फल मिलता है, प्राप्त होता है। इसीलिए शिव कथा कहती है, कैसी सुभानाए आए नाए शिशा। आज कथा का विराम दिवस है, हम तो चाहते हैं कि दो बार आप लोग स्तुति कर सकें, जिससे बाबा से प्रार्थना कर सकें, इसलिए छोटा सा भजन गाकर स्तुति की ओर आगे बढ़ेंगे।